एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है रेड वेलवेट केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम एक छन्नी लेते हैं, उसमें 1.5 कटोरी मैदा डाल के हम छान लेते हैं। उसमें डाल दें 1/2 कटोरी चीनी, 2 चम्मच कोको पाउडर, और इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। छानना ज़रूरी है। और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दें। अब इसमें हम रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप तक तेल। तेल ज़रूर डालें। और अब हम डाल देते हैं इसमें 2-3 बूंद कलर। ये मैंने लिक्विड कलर लिया है। इसको भी अच्छे से हम मिला लेते हैं। अब इसमें डाल दें हम 1/2 चम्मच इनो। और मैंने यहाँ एक टिन लिया है, उसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लें। तेल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल दें। और उसमें हम थोड़ा मैदा डस्ट कर लेते हैं, और जो अपने बैटर बनाया था वो भी डाल देते हैं। इसमें डाल के अच्छे से हम इसे टैप कर लेंगे, जो इसमें एयर बबल्स बना होगा वो निकल जाएगा। यहाँ एक भगोना मैंने 15 मिनट तक प्री हीट कर लिया है। देखिए अच्छे से आँच आ रही है इसमें से। तो अपना जो टिन है वो हम डाल देते हैं इसमें और इसे ढक देंगे। और जो ये खुला हुआ पार्ट है उसे भी ढक देते हैं एक छोटे सा आटा से, क्योंकि जो गैस फॉर्म होता है वो बाहर नहीं आएगा। अब हम इसे 45 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे, और 45 मिनट्स के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं चाकू डाल के। ये देखिए हमारा चाकू बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई भी ऐसे निकाल लें हम चारों तरफ से। अब एक प्लेट ऊपर से डाल के इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए हमारा केक कितने अच्छे से बाहर आ गया है और कितना स्पंजी है। तो अब अपने केक को ऐसे 2 भागों में काट लेंगे। ऐसे काट ले, आराम से काट ले। ये देखिए हमारा केक 2 भागों में कट चुका है। और जो ऊपर का हमने काटा था उससे हम ऐसा हार्ट शेप का बना लेंगे। और एक कटोरी ले, उसमें 2 चम्मच चीनी डालें और 2 चम्मच पानी डाल के हम शुगर सिरप बना लेंगे। और इसे केक के ऊपर स्प्रेड कर दें ऐसे। ये देखिए ऐसे ऐसे लगा दें अच्छे से, चारों तरफ अच्छे से मिलाएं। और ये हमने लिया है व्हिप्ड क्रीम, ये भी मैंने होममेड बनाया है। और इसे अच्छे से ऊपर इसके लगा दें चारों तरफ। व्हिप्ड क्रीम की थोड़ी मोटी लेयर लगाएं, उसके ऊपर हमने जो दूसरा भाग काटा था उसको भी डाल दें। उसके ऊपर भी हम लगा देते हैं अपना शुगर सिरप। ये देखिए इसे चारों तरफ से हमने लगा दिया। इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं अपना क्रीम, चारों तरफ अच्छे से फैला दें। मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, व्हिप्ड क्रीम की, होममेड व्हिप्ड क्रीम। इसे देखिए हम अच्छे से फैला लेते हैं चारों तरफ से, और जो हमने अपना हार्ट शेप बनाया था उसे उसके ऊपर डेकोरेट कर दें। आपका जैसा मन करे आप वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने डेकोरेट कर लिया है। अब इसे हम रख देते हैं फ्रिज में करीब 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ही हम निकालेंगे। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है। ये देखिए तो हमारा केक रेडी हो चुका है। अब आप इसे सर्व करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।